गाइस, मेरा नाम इतना आप सब देख रहे हो आपके चैनल इतनोशील को। दोस्तों फाइनली मेरे हाथ लगा ये बॉक्स। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कैनन M50 मार्क 2 का। मैंने फाइनली परचेस कर ही लिया है कैनन M50 मार्क 2। दोस्तों ये आज से 2 साल पहले मेरा सपना हुआ करता था और आज सपना जो है मेरे हाथ में है और इसके लिए मैंने काफी मेहनत भी किया और आप लोगों ने भी मुझे काफी हद तक सपोर्ट भी किया और उसी के वजह से आज ये फाइनल आउटपुट मेरे हाथ में है। जो प्रोसेस मैंने पहले किया है, जो मेहनत मैंने पहले किया है, उसके वजह से ही मुझे ये मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज इसका अनबॉक्सिंग तो जरूर करूंगा, दिखाऊंगा ये कैमरा कैसा है दिखने के लिए, मगर इससे पहले इससे जुड़े काफी स्टोरी है जो आप लोगों को काफी हद तक मोटिवेट भी करेगा। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही कैनन M50 मार्क 2 खरीदने के लिए, तो आप डिसाइड कर पाओ कि ये कैमरा आपके लिए बेस्ट है भी या नहीं, या फिर मैंने क्या सोच के ये कैमरा को आज परचेस किया, पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ पे कैनन M50 मार्क 2, ये मैंने मेरा खुद का पूरा पैसे से नहीं खरीदा। इसका हाफ शेयर जो है वो एक गिफ्ट है और वो गिफ्ट आप ही के जैसे यूट्यूबर या फिर कह सकते हो आप ही के जैसे मेरे एक फैमिली मेंबर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। इसका हाफ अमाउंट उन्होंने ही पे किया है और बाकी हाफ अमाउंट मैंने पे किया है और इसके बाद ही ये फाइनल प्रोडक्ट जो है मेरे हाथ पे लगा है। इसका क्या प्राइसिंग है ये भी बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहो। तो दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हो M50 मार्क 2 मैंने खरीद लिया है कैनन का, ये मैंने खरीदने से पहले बाकी बहुत सारे ऐसे DSLRs थे जिसको मैंने कंपेयर किया। और एक चीज आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो कैमरा है ये दरअसल DSLR नहीं है, ये एक मिररलेस कैमरा है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि DSLR ज्यादा अच्छा है या मिररलेस कैमरा ज्यादा अच्छा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि DSLR का अपग्रेडेड वर्शन, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी ही मिररलेस है। तो आप कह सकते हो कि फ्यूचर जो है DSLR का वो मिररलेस ही है या फिर होने वाला है। मगर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग मिररलेस कैमरा के कंपैरिजन पे DSLR इसलिए ले लेता है क्योंकि DSLR पे जो लेंसेस आते हैं वो एज कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा के लेंसेस के मुताबिक चीप होता है। क्योंकि जब आप M50 मार्क 2 लोगे तो आपको अगर DSLR के जो लेंसेस फिट होते हैं वो लेना है, तो इससे पहले आपको एक एडाप्टर खरीदना पड़ेगा जिसका करीबन जो प्राइस है वो 8000 का आता है। वो एडाप्टर को इंक्लूड करने के बाद ही आप लोग जो है DSLR वाला जो लेंस है वो आप मिररलेस कैमरा पे लगा सकते। मगर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, बिना एडाप्टर के भी आप लोग मिररलेस कैमरा को यूज कर सकते हो मिररलेस लेंस के साथ। मगर मार्केट पे मिररलेस कैमरा के जो लेंसेस होते हैं वो DSLR से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा रेट होता है। मगर क्योंकि फ्यूचर है मिररलेस कैमरा और अभी काफ़ी टाइम हो भी चुका है, तो धीरे धीरे मिररलेस कैमरा के जो लेंसेस है वो आने वाले टाइम पे रेट कम होता जाए। तो अगर आप फ्यूचर को देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बिगिनर हो, यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है कैनन M50 मार्क 2। क्यों? क्योंकि बाकी जो DSLR बिगिनर एंट्री लेवल का है, जैसे कि मैं सोच रहा था खरीदने के लिए 200D मार्क 2, उसके कंपैरिजन पे मैंने देखा ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसका जो फोकस है वो 200 मार्क 2 से भी बहुत अच्छा है। तो 200D मार्क 2 जो है उसके कंपैरिजन पे भी ये कैमरा का जो फोकस पॉइंट है, फोकस है, बहुत स्मूथ है, तो इसीलिए मैंने चूज किया इस वाले कैमरा। और दोस्तों मैं ये बता दूं, आप में से ही बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और आप में से ही किसी ने मुझे हाफ गिफ्ट इस बॉक्स का या इस कैमरा का आप कह सकते हो हाफ गिफ्ट उन्होंने ही किया है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए दिया है, तो इसके लिए एक बार तो मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ उनका भी। नाम नहीं मेंशन कर सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है नाम मेंशन करने से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा अब इसका डिज़ाइन कैसा है,
इसका क्वालिटी कैसा है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग चाहिए ना, अनबॉक्सिंग मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खुद कर लिया, मगर फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपको भी अगर खरीदने चाहते हो तो क्या क्या मिल सकता है वो मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैंने कभी ऐसे प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग तो किया नहीं, तो मुझसे मैंने सोचा नहीं करते हो, जो ट्रांसपेरेंट है वो ही दिखाता हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको मिलेगा जो थैली के अंदर दिया जाता है, मैंने सारे ओपन कर लिया। कुछ मैनुअल्स जो कि आपको भी पता है रहता है, जिसको देख के आप कस्टमाइजेशन सीख सकते हो, मगर मैं कहूँगा प्रैक्टिकली जब आप कैमरा को यूज़ करोगे तभी सीखोगे। और आपको पता है मैं आज से पहले कभी DSLR यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं जो है मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तो इन फ्यूचर आपको DSLR का क्वालिटी भी मिलेगा। ये एक आता है ताकि आप गले में इसको मतलब कैरी कर पाओ, तो इसके लिए ये पट्टा दिया जाता है। और फिर एक ये वाला आता है, तो ये आपको आपके लेंस को जो कैमरा के सर्कल होते हैं उसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, अब ना मार्क 50 जो 2 आता है इसमें ना, इसमें अभी मेमोरी कार्ड जो है उसके साथ नहीं आता, अलग से ख़रीदना पड़ता है, मगर मैं लकी हूँ कि मुझे मिला है। तो हो सकता है किसी किसी को ना भी मिले, तो ये आप मायूस मत हो, क्योंकि चेंज तो होता रहता है, कंपनी भी कॉस्ट कटिंग करता रहता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने इस बॉक्स को में से जो असली प्रोडक्ट है हमारा मार्क भैया जो है इसके अंदर है, तो इसको मैंने इस बैग पे ले लिया है और इस बैग को भी मैंने परचेस किया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस बैग के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट जिसके लिए मैं 2 साल से इंतज़ार किया वो कैसा है। तो ये देखिए तो ये है वो फाइनल प्रोडक्ट, ये है वो जो कैमरा मैंने परचेस किया मिररलेस, ये कैनन M50 Mark II है। आप देख सकते हो बिल्डिंग क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप जब लोगे उसको फीलिंग ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों ये मिररलेस कैमरा है, ये DSLR का एडवांस मोड है, आप कह सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें। और इसमें भी आपको ना ऐसे फ्लिप मिलेगा, जो कि अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपके लिए ये कैमरा बहुत मस्त है, क्योंकि इसका फोकस पॉइंट भी बढ़िया है और फ्लिप ऑप्शन भी है। तो आप फ्लिप करके खुद देखते हुए ऐसे करके आप ना ब्लॉग भी कर सकते हो इससे, जो कि ज़बरदस्त होगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि आपको इस तरफ इसका ना यहाँ पे एक जैक मिल जाएगा इनपुट करने के लिए, तो ये जैक आप लोग इस इनपुट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके लैपटॉप के साथ कैमरा को जो है लिंक करो, या फिर आप कैमरा से कुछ चीज़ें लेना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों इस तरफ आपको एक माइक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्लॉट है, ये दरअसल माइक का ऑप्शन है। इस पर आप लोग ना 3.5 mm जो कि मैं बोया M1 यूज़ करता हूँ उसको भी डाल सकता हूँ, रोड माइक अगर आप यूज़ करोगे के ब्लॉगिंग के लिए तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ से इसका पैच लग जाएगा जो आपका माइक्रोफोन होगा, और बोया तो आप कॉलर माइक जो यहाँ पे है इसको भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे ही। तो ये तो जो साउंड है उसका भी जुगाड़ मेरा हो ही गया है इस कैमरा से। अब बात करता हूँ दोस्तों मैंने ये कैमरा को क्यों लिया, क्यों मैंने 200D Mark II जो कि यूट्यूबर या फिर आप कह सकते हो क्रिएटर लोगों के लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्रिएटर के द्वारा, वो नहीं लिया, क्योंकि वो DSLR है, उसका टेक्नोलॉजी बैकडेटेड है और ये अपडेटेड वर्जन है मिररलेस कैमरा। और इसका जो फोकस है वो अगर आप 200D Mark II के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका फोकस। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ही चार्जेस मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 200D Mark II जो है वो दोस्तों अभी अगर आप ख़रीदने जाओगे तो 51,000 से 52,000 के अराउंड आता है, और ये वाला कैमरा अभी मार्केट पे 57,000 से 58,000 पे मिल रहा है। तो मैंने जो है ऑफलाइन ख़रीदा है इसको जल्दी से मिलने के लिए हाथ में, तो ऑफलाइन पे मुझे अराउंड 57 के अराउंड पूरा कंप्लीट मिल गया है, इसका जो भी रेट था मैंने दे दिया था। मगर आप लोग अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो मैं इसी मतलब कैमरा का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से जाके अगर आप देखना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो तो लिंक को ओपन करो, अमेज़न का लिंक आपको मिल जाए यही प्रोडक्ट का। तो दोस्तों ये एक सपना था जो कि आज मेरे हाथ में है, और सपना सच होता है, सपना पूरा होता है अगर आपका मेहनत जो है वो
आप करते रहते हो, प्रोसेस जो है वो अगर जारी रहता है तो उसका जो आउटकम है वो टुडे टुमारो आना ही है। तो यही आउटकम मेरे हाथ में भी है। तो होप गाइस आज आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग कम सपना पूरा करने का जो स्टोरी है वो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम कर दोस्तों, बाय।